स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और न्यू रियलमी के वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी यहाँ पर हमारे रियलमी यूजर्स है, रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, तो उन सभी के डिवाइस के लिए यहाँ पर जो है ना एक कमाल का फीचर लेकर जो कि है यहाँ पर वॉइस चेंजर का। अभी आप सभी को बताओ कि हमारे यहाँ पर MIUI के अंदर काफी सारे डिवाइसेज में वॉइस चेंजर का फीचर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर MIUI के अंदर भी यानी जो MIUI 3.0 और Android 12 के अंदर एक फीचर को एड करा जो कि यहाँ पर वॉइस चेंजर का जो काफी अच्छा खासा यहाँ पर फीचर एड हुआ है। उस फीचर को यहाँ पर आप लोग कैसे इनेबल करोगे, कैसे यूज कर सकते हो, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो गेम स्पेस जो है उसका यहाँ पर पूरा लेआउट वगैरह सब कुछ चेंज हुआ, मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक बार अपने डिवाइस के इस ट्रिक को अप्लाई करके जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं से आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को भी, साथ में इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसी रियलमी की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गेम स्पेस है उसको मैंने यहाँ पर लेटेस्ट जो गेम असिस्टेंट है उसके अंदर यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जो आपको गेम असिस्टेंट है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जब आप लोग इस APK को इंस्टॉल कर लोगे, अब APK कहाँ मिलेगा वो सब कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आपको सिंपली बस एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा यहाँ पर गेम स्पेस का लेआउट। यहाँ पर काफी सारे मोड्स वगैरह और सबसे पहला जो चेंज है गेम असिस्टेंट का जो कि आप लोग यहाँ देख लो स्क्रीन के ऊपर, जो कि यहाँ पर जो जो आपके डिवाइसेस में गेम है, जैसे इस डिवाइस में एक सबवे प्रिंसेस रनर एक गेम है, तो बस यही एक गेम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आप लोग लेआउट देखोगे तो काफी जबरदस्त यहाँ पर आपको लेआउट देखने को मिल जाता है जो कि आपने यहाँ पर कभी देखा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते, स्विच लेआउट करोगे तो यहाँ पर पुराने वाले में चला जाएगा, फिर यहाँ पर दोबारा स्विच लेआउट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर चीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रो गेम मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सब कुछ यहाँ पर रेड कलर के अंदर हो चुका और काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस और काफी कूल यहाँ पर देखने को लगता है ये रेड कलर वाला। तो जब आप प्रो गेमर मोड ऑन कर दोगे तो यहाँ पर जो आपकी बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होगी, बस जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाएगी। तो काफी सारे यहाँ पर मोड देखने को मिलते हैं, लोअर मोड है, बैलेंस मोड है, और जिसमें एक यहाँ पर आपको ये वाला प्रो गेमर मोड देखने को मिल जाता है। साथ में अदर फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर सेट करने का फीचर आप सभी को देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ब्राइटनेस लॉक का भी फीचर देखने को मिलता है, यानी कि आप इसको इनेबल कर दोगे तो ब्राइटनेस लॉक हो जाएगी और यहाँ पर एक ही ब्राइटनेस के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को गेम देखने को मिलने वाला है। साथ में सबसे बेस्ट है यहाँ पर स्मार्ट गेम असिस्टेंट का भी फीचर देखने को मिलेगा, जो कि आपको कुछ इस तरह का चीज देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जो सबसे बेस्ट फीचर जिसका हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो है यहाँ पर वॉइस चेंजर। यहाँ पर देखेंगे फाइनली हमारे डिवाइस के अंदर वॉइस चेंजर आ चुका है। अभी थोड़ा बहुत ये लोड लेगा और यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर चाइनीज भाषा के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर कुछ चीजें आपको यहाँ पर लिखे देखने को मिलने वाले, पर इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी चाइना के अंदर ये अपडेट का आया हुआ है और ये जो एप्लीकेशन आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर चाइनीज के अंदर लिखा है बट यहाँ पर जो चीज है वो काफी कमाल की देखने को मिलने वाला है। जैसे मैं मान लीजिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप लोग आवाज सुनेंगे, तो शायद आपको सुनाई दे सकती है आवाज। बाकी मैं इसके फुल वॉल्यूम पे एक बार कर देता हूँ जिसके जरिए आप लोग को यहाँ पर जो आवाज है वो अच्छी तरीके से सुनाई दे। तो उम्मीद है आपको शायद यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही होगी, बाकी जितना यहाँ पर माइक मेरे फोन का यहाँ पर कैप्चर करेगा उतनी अच्छी बात है। बाकी हम लोग दोबारा एक बार कर लेते हैं यहाँ पर ऑन, तो यहाँ पर हम मान लीजिए ये वाला वॉइस लगाते हैं, तो थोड़ी बहुत आप लोग वॉइस चेंजर का जो जैसे आप लोग देखें काफी कमाल के यहाँ, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो काफी कमाल का यहाँ पर वॉइस चेंजर का जो फीचर वो आप सभी को देखने को मिल रहा है, जिसमें काफी सारे यहाँ पर एप्लीकेशन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लगभग यहाँ पर हम बात करें तो 11 कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर ज्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पर इसको गेट नाउ के ऊपर करके यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर प्रो वॉइस के ऊपर आप लोग सिलेक्ट कर रखिए, यहाँ पर ज़ाइनोमो बोस वॉइस भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पर आपको सजेशन है कि आप लोग बस प्रो वॉइस के ऊपर इसको क्लिक करके रखें और अपने डिवाइस के ऊपर इसी तरह इंजॉय करें। अब फाइनली ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, इसमें और भी काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो यहाँ पर आप सभी के लिए हेल्पफुल होने जाते हैं। अब फटाफट यहाँ पर कोई एक बार गेम एप्लीकेशन को ऑन कर देते, जैसे मान लीजिए छोटा सा गेम है क्योंकि मैं इस फोन के अंदर कोई ज्यादा बड़े गेम्स नहीं खेलता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल एक ये गेम देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि आपको जो गेम स्पेस वाला जो लेआउट है वो कैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो काफी यहाँ पर कूल है। यहाँ पर आप लोग बस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाइए और यहाँ पर अब आप लोग गेम जो देखेंगे काफी नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर देखने को मिल रही होगी और काफी जबरदस्त यहाँ पर जो गेम असिस्टेंट वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर सोचा भी नहीं। काफी जबरदस्त, ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पर फोकस करके दिखाता हूँ और यहाँ पर गेम मोड आपको काफी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसके अंदर। जब आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे एपीके का, तो अपने गेम स्पेस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लोगे, तो यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे तो वही चैट का जो है, क्योंकि ये जो सब चाइनीज के अंदर चलते हैं, बट यहाँ पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपके डिवाइस में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोग देखेंगे जो ये हमारा जो गेम है ये यहाँ पर वॉइस चेंजर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो वॉइस चेंजर वाला जो फीचर वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं है अच्छी तरीके से। बस यहाँ पर लिखा है वॉइस चेंजर, बट इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लिख के आ रहा है दी गेम इज नॉट सपोर्टेड। और यहाँ पर आप लोग देखिए जितनी बार भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दी गेम नॉट सपोर्टेड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर ये जो गेम है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो इस तरह आप अपने गेम का चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी गेम खेलते हो तो अपने एक बार इस एपीके को इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपके डिवाइस के अंदर वॉइस चेंजर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे तो ब्राइटनेस का ही आपको यहीं से देखने को मिल जाता है, जितनी चाहे उतनी ब्राइटनेस आप लोग यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। साथ में ब्लॉक नोटिफिकेशन वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी सब यहीं पर देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस मोड है, स्क्रीन शॉट्स है और जाके मिस टच है यहाँ पर, और भी चीजें यहाँ पर वीडियो है, कम्युनिकेशन है, FAQ है, और ऐसे स्वाइप अप करोगे तो और भी यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर टच ऑप्टिमाइजेशन है, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह ये चीज आपसे भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे गेम मोड के अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली। परफॉर्मेंस मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वही तीन मोड यहाँ पर शॉर्टकट के अंदर यहाँ पर ओपन हो चुके, तो काफी कूल यहाँ पर लग रही सब चीज देखने में। तो अपने डिवाइस के अंदर इस तरह आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन शॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लिया जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं। कुछ इस तरह के यहाँ पर गेम मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी एक अच्छा चीज है। और यहाँ पर आप लोग कॉर्नर में भी आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं जो गेम मोड है, काफी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो कहें तो जो ये गेम मोड का जो लेटेस्ट वर्जन है काफी जबरदस्त और कूल यहाँ पर देखने में लग रहा है यहाँ पर। तो इस तरह आप अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इस चीज को। अगर आप लोग को इसको डाउनलोड करना है तो जो आपको ये गेम स्पेस वाला जो एप्लीकेशन है ना, इसको यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि जो गेम असिस्टेंट है उसको यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन के अंदर। उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जो एप्लीकेशन का जो लेटेस्ट बिल्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर एपीके हम लोग देखेंगे, जो एपीके आपको ये गेम असिस्टेंट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि है वर्जन 6.9.1। तो ये आपको जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जैसे आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपको जो ये लेटेस्ट एप्लीकेशन है वहां पर लिंक देखने को मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप लोग यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और जो लेटेस्ट गेम असिस्टेंट है उसको आप लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हो। तो काफी जबरदस्त ये फीचर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप लोग एक बार बेझिझक होकर इस चीज को यहाँ पर ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझे इतना बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ पर रियलमी का डिवाइस के अंदर जो ये चीज है ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आपको ये वाला लेआउट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ये काफी जबरदस्त यहाँ पर लेआउट है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर कौन से डिवाइस के अंदर ट्राई कर रहे हो और आपके डिवाइस के अंदर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फिलहाल तो ये रियलमी C12 है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर रियलमी C12 के अंदर तो यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बाकी आप लोग अपने डिवाइस के अंदर चेकआउट करके बताओ और ये बताना आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा इसलिए क्योंकि आपको काफी कमाल के यहाँ पर गेम असिस्टेंट वाला मैंने एप्लीकेशन बताया और आपके डिवाइस के अंदर इस चीज को इनेबल करे, तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर डेली रियलमी की अपडेट से रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहती है इस चैनल के ऊपर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।